हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीआईसी इन ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल वेल। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इस समय कार्य जो है वर्किंग टीचिंग वर्क जो है सीधा फोकस हमने आर्टिकल पे कर रखा है आपका। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, आर्टिकल होते दो प्रकार के, पहला था डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा था इनडिफिनिट आर्टिकल। तो पहले डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत जो है हमने आपको यूज ऑफ द जो रूल्स हैं वे हमने आपको रूल नंबर 5 तक बताया था। आज उसी के आगे जो है रूल्स हम अपने स्टार्ट करते हैं। विधा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये आपको सीखना है, क्योंकि रूल नंबर 5 तक जो है आप लोगों ने स्टडी किया था। आज उसी के आगे जो भी रूल्स बनते हैं उसको आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी के आगे रूल की ओर। तो रूल नंबर 6 है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब रूल नंबर 6 है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले दा का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले दा का प्रयोग करते हैं, यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके जो नाम हैं उन्हीं के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? दा का प्रयोग किया जाएगा। अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करें तो जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, रेड फोर्ट हो गया, यानी इस विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक इमारत जिन्हें बताया गया है उन्हीं के नामों के पहले जो है हमें दा का प्रयोग करना होगा। इसे कहें रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या है? लाल किला है, ऐतिहासिक इमारत है, इसके नाम के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? दा का, यानी दा रेड फोर्ट। अगला करें बात ताजमहल, तो ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए इसके नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दा ताजमहल, द ताज महल। अगले बात करें द कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार, यानी इस प्रकार के जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं इसके नामों के पहले जो है दा का प्रयोग किया जाएगा। अब अगले हम रूल की बात करें, जैसे कुछ प्रांत हैं, कुछ भौगोलिक नियम हैं, तो लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कुछ और अलग की बात होती है। जैसे आपने रूल नंबर 6 देखा कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के पहले दा का प्रयोग किया गया, यानी ऐतिहासिक इमारत जो भी होगी उसके नामों के पहले हमें दा का प्रयोग करना है। अगले चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर। शिप्स, शिप्स माने होता जहाज। कौन सा जहाज? पानी वाला, ठीक है। एरोप्लेन्स, वायुयान, इसे बोलते हैं। फिर अगला है ट्रेन्स। ट्रेन माने रेलगाड़ी होता है, ये ट्रेन्स के नामों के नामों के पहले दा का प्रयोग करते हैं। पानी वाले जो होते हैं और एरोप्लेन्स हैं या ट्रेन्स हैं, इन सब के नामों के पहले जो है दा का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें ध्यान रखना है सिर्फ कि शिप्स माने जहाज, कौन सा जहाज? जैसे द विक्रांत, द विक्रांत ये हमारा पानी का जहाज है, इसलिए इसके नाम के पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। द मेघदूत, मेघदूत भी पानी वाले जहाज का नाम है, इसलिए इसके नाम के पहले दा लगेगा। फिर अगर आप एरोप्लेन यानी वायुयान, द एयर इंडिया हो गया, द एयर इंडिया,
यानी वायु यान का नाम है, इसलिए इसके नाम को पहले डाल देना। अब आते हैं ट्रेन से, रेलगाड़ी, जैसे द पंजाब में चेन्नई एक्सप्रेस, द मालगाड़ी एक्सप्रेस, यानी जो भी ट्रेन होती हैं उनके नामों के पहले जो है डालता है। जैसे कहें द पंजाब मेल, द पंजाब मेल, द चेन्नई एक्सप्रेस, यानी जो भी ट्रेन होगा उसके नाम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि द का प्रयोग कहाँ पे होता है, वही रूल्स जो है आपको बताए जा रहे हैं। यानी ट्रेन होगा, शिप्स होगा, एयरोप्लेन्स होगा, इनके नामों के पहले जो है द का प्रयोग किया जाना है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अब अगले रूल्स की ओर। अगले रूल्स की बात करें तो जैसे कोई चीज किसी चीज को मेंशन में किया जाए, मेंशन की बात ये है यहाँ पे, जैसे बोल दिया जाए कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी उपाधि दी जाए, रियल में ना उपाधि दी जाए, तो वहां पे दा का प्रयोग होगा उसके पहले। तो चलते हैं इस रूल के पहले, तो इसका हम रूल आपको लिखते हैं। रूल नंबर 8 होगा, तो रूल नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पे हम इरेज करने के बाद। तो चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर। तो रूल नंबर 8 हमारा है ऐसे प्रॉपर नाम, ऐसे प्रॉपर नाम, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन के नाम पर, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह, यानी सामान्य नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन की तरह हो, ऐसे प्रॉपर नाउन्स जिनके पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, तो इनके पहले, यानी कॉमन नाउन्स के पहले, तो इनके पहले दा का प्रयोग करते हैं। यानी कहा गया रूल में ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, तो इनके पहले जो है, यानी कॉमन नाउन के पहले जो है दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रूल ये हमारा है, जैसे हमने बोला कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो कैमल इज कॉल्ड द शिप, यानी उपाधि दी गई ना, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का, यानी जिसकी तुलना की जा रही हो, यानी कॉमन नाउन की तरह बोला जा रहा प्रॉपर नाउन को, तो उसके पहले किसका प्रयोग करना होगा, द का। तो कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। अगर इस तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कहा जाए कि कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड, कश्मीर को बोला क्या गया है भारत का स्विट्जरलैंड, तो यानी जो प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया गया, कॉमन नाउन, इसलिए उसके पहले किस क्या प्रयोग करेंगे, द। तो कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये रहा रूल। अब यहां पे जो रूल्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत, इसे हमने हल किया है। तो चलते हैं अब अगले रूल्स की ओर।
जहां पर दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही रूल्स जो हैं जहां पे दा का प्रयोग नहीं किया जाना है। तो चलते हैं, कौन से ऐसे रूल हैं जहां पे दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान रखना होगा। तो रूल नंबर वन यहां पे हम लेंगे डिफिनेट आर्टिकल के अंतर। जैसे हमने लिखा स्पोर्ट्स यानी खेल कूदों, लैंग्वेजेस माने भाषाओं, फेस्टिवल्स यानी त्योहारों, के नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना है आपको, स्पोर्ट्स माने खेल कूद होता है, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी, कबड्डी, यानी जो भी खेल कूद का नाम होगा उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। लैंग्वेज में भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषाएं हैं उसके नामों के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। फेस्टिवल्स माने त्यौहार, त्यौहार जानते हैं आपको बहुत विभिन्न प्रकार के त्यौहार होते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, बकरीद, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके नामों के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो जैसे खेल कूद की बात करें, क्रिकेट यानी सिर्फ क्रिकेट लिखा जाएगा, इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेज यानी भाषा यानी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी भाषाएं हैं उनके नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। फुटबॉल जैसे गेम्स है आपका, दा का प्रयोग नहीं होगा। फेस्टिवल्स माने त्यौहार, त्यौहार विभिन्न प्रकार के होते हैं तो उसके नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हमने लिख लिया ईद, दिवाली, ईद, दिवाली, होली, ETC, यानी यहाँ पे चीज को ध्यान रखना है कि जो भी फेस्टिवल्स आएगा उसके नाम पर पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। लैंग्वेज यानी भाषा, जो भी भाषा होती है बोलने वाली, लिखने वाली, उसके नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। स्पोर्ट्स खेल कूद के नाम होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी खेल होते हैं उनके नामों के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। कंफ्यूज क्या कर सकती हैं कि जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया कि इंग्लिश, इंग्लिश इज, इंग्लिश इज द, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ऑफ द इंग्लिश। तो अगर हम गलती की बात करें तो द इंग्लिश, द इसके पहले नहीं लगेगा क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा है। ठीक है, इसलिए दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो और चीजें हैं जैसे यहां पे हम कुछ रूल्स और बताना चाहेंगे जहां पे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बीमारी है, कुछ बीमारी है और वहां पे दा का प्रयोग होगा, बाकी जो बीमारी जो होती हैं, सिक्स होती हैं, उनके दा का प्रयोग, बीमारियों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कहें मीसल्स, मीसल्स माने होता है चेचक रोग, मीसल्स, मीसल्स माने होता है चेचक रोग, गॉट, गठिया रोग, मम्स, कंठमाला का रोग, यानी ये बीमारियां हैं, तीन बीमारियां हैं, इनके नाम के पहले दा का प्रयोग होगा।
और जो अदर बीमारी होती है उनके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। तो चलते हैं रूल नंबर 9 की ओर, यानी कुछ बीमारियों के कुछ बीमारियों के नामों के पहले दा का प्रयोग करते हैं, अब कुछ बीमारियों में जो दा का प्रयोग होगा उनके नाम के पहले, तो ये हैं बीमारियां, इन्हें मीजल्स होता है, चेचक, मम्स, गॉट, मदर गठिया, मम्स है, यानी ये जो तीन बीमारियां हैं, ठीक है, कंठ माला बोलते हैं इसे, कंठ माला का रोग, गठिया रोग, चेचक रोग, यानी ये तीन बीमारियां हैं, इसके नामों के पहले दा का प्रयोग होगा। और जो अदर बीमारियां हैं, बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कैंसर, जो भी अदर बीमारी होगी उनके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ यही बीमारियां हैं जिनके पहले दा का प्रयोग होना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आज जो हमने आपको बताया ये रहेगा। अब चलते हैं एक और रूल समय जहां पे दा का प्रयोग जो है नहीं होगा। अब कौन सा रूल है ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो रूल नंबर टेन की बात करें कि जैसे होता है आपका मटेरियल नाउन, अगला है एंड अब्सट्रैक्ट नाम के नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी मटेरियल नाउन और अब्सट्रैक्ट नाउन के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। बात करें मटेरियल नाउन यानी पदार्थ वाचक संज्ञा, जैसे मटर, ठीक है, डस्टर, बुक्स, रोजमेरी, यानी जो भी पदार्थ होंगे उसके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे आप लोग। जैसे कहें द गोल्ड इज अ प्रीसियस, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यानी सोना एक कीमती धातु है, गोल्ड मतलब सोना होता है, ये मटेरियल है नाउन हमारा, इसके पहले दा का प्रयोग जो होगा नहीं होगा। अगली बात करें अब्सट्रैक्ट नाउन, भाव वाचक संज्ञा, जिसे ना देख सके ना छू सके सिर्फ महसूस करें, तो उसके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कहें द लव इज ब्लाइंड, तो यहाँ पे लव जो है दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ महसूस करते हैं लोग, तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये अब्सट्रैक्ट नाउन है। तो याद रखना है मटेरियल नाउन और अब्सट्रैक्ट नाउन के नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स के नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इन चीजों को हमें याद रखना है। कुछ बीमारियां हैं उनके पहले दा का प्रयोग करते हैं, सिर्फ बीमारियों के बाद दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस चीज का हमें याद रखना है। आज इसी टॉपिक के साथ आपका डिफरेंट आर्टिकल समाप्त होता है। अगले वीडियोज में आपको जो है डिफरेंट आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा, इसमें आप लोग यूज ऑफ ए और एन का प्रयोग करना है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी यू लेटर।